जी बिल्कुल, आज पूरी दुनिया में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मजदूरों के बहाली वाले स्कूलों की जानिब से यहां पर आज रैलियों का एहतमाम किया गया है, जिसमें तमाम जो तालीम हासिल करने वाले मजदूर बच्चे इस रैली में शरीक है, उनके साथ उनके टीचर और यहां पर दीगर समाजी तंजीमों के लोग भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये मासूम फूलों जैसे बच्चे जो इस वक्त मौजूद हैं और आज अपना दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मासूम बच्चों का खास दिन है और ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। शुक्रिया। क्या कहेंगे आप? ये देख सकते हैं कि ज़ाहरी बात है, अकुवत समात यहाँ, इसके अलावा ये बोल नहीं सकते, लेकिन अपनी ज़बान में ज़रूर ये कह रहे हैं कि आज इसका हमारा दिन है और इस दिन के लिए यहाँ पर भरपूर तैयारी की गई है। इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पर कुछ और बच्चे मौजूद हैं, आइए इनसे बात करेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, प्रिंसिपल भी हैं स्कूल। क्या कहेंगे इस दिन का मकसद और जो आपका स्कूल से क्या करा है सवाल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 दिसंबर के हवाले से ये प्रोग्राम जो हमने किया था, ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी है किस्म का, कि जो लोगों को पता पड़े कि स्पेशल बच्चे जो हैं वो किसी के मतलब ये माजूर नहीं है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप थोड़ी सी उनकी हेल्प करें। उनका हेल्प ये है कि आप उनको इदारों में ले जाएँ, स्कूल में दाखिल करें, दूसरे जो मौक़े हैं इनको दिए जाएँ कि ये काम करने की सीखें। तो ये डिसेबल पर्सन्स डे जो है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, हमारा ये सांगढ़ के इदारे जो हैं वो भी इसी पे ये रैली निकाली गई है कि ये हमारे शहर के लोगों को पता पड़े कि आपके शहर सांगढ़ में भी ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ पे इनको तालीम भी दी जाती है, अच्छा इनको जो है न्यूट्रिशन भी दिया जाता है, दोपहर का खाना जो है वो भी बच्चों को दिया जाता है, स्टिपेंड भी 2000 रुपये पर मंथ बच्चों को दिया जाता है, स्टेशनरी है, ड्रेसेस है, मतलब बच्चे आप खाली दाखिल कराएं और बाकी बच्चों का जो भी खर्च है सिंध गवर्नमेंट आती है। जैसे आपने भी मेरे ख्याल में पिछले दफ़े में 2 बच्चे दाखिल कराए थे जो माशाल्लाह अब उनमें बहुत ही चेंजिंग आ गई है, तो ये मेन काज है कि अवेयरनेस प्रोग्राम है आज का। ये बिल्कुल अवेयरनेस प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ समाजी लोग भी मौजूद हैं। मजदूरों का आलमी दिन, आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ में जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर हमारा स्पेशल जो एजुकेशन है उनकी तरफ से ये डे जो है आज 3 दिसंबर जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, और क्योंकि आज ये इन स्पेशल बच्चों का दिन है तो आज स्पेशल दिन है और डिफरेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनती हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। कभी भी आज सुना होगा कि सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जितनी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी या स्पेशल जो लोग हैं इनके लिए जो पॉलिसीज़ बनती है उस पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें इनकी बच्चों के ऊपर जो है वो ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, इनके जो मसले हैं जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए, इनकी एजुकेशन के हवाले से काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम देने का मकसद ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ में, वैसे तो पूरी दुनिया में डे सेलिब्रेट किया जा रहा है लेकिन डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ में ये करने का मकसद ये है कि ऐसे काफ़ी बच्चे जो जिनको घरों में जो है वो रखा हुआ है और पेरेंट्स ने जो है अपने ऊपर बोझ समझा हुआ है, तो वो बोझ नहीं है, ये हमारे लिए जो है बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनको हम स्कूल में जो है वो दाखिल करवाएं या रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसमें हम इनको एडमिशन दिलवाएं, तो ये बच्चे जो है हमारे मुस्तकबिल में बहुत अच्छा जो है किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मंसूर मौजूद है। वहीं पे आपको बताता चलूँ कि 3 दिसंबर मजदूरों के दिन के आलमी दिन के हवाले से यहाँ पर इदारे मौजूद हैं। वो वालदेन जो बच्चों को अपने घरों में महदूद कर देते हैं, मजदूर जो किसी सलाहियत से महरूम होते हैं, वहीं पर ये स्कूल काम करें। हमारे साथ एक और यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे मजदूरों का आलमी दिन? जी, आज सारी दुनिया की तरह ज़िला सांगढ़ में भी जो है वो मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मैं थोड़ा ज़िला सांगढ़ की पोजीशन वाजिया कर दूं कि हम लोग जो है वो मजदूर अफराद को डिसेबल सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। ज़िले सांगढ़ के 6 तालके हैं जिनमें तकरीबन इस वक्त तक हम लोग 4000 लोगों को रजिस्टर्ड कर चुके हैं और उनको डिसेबल सर्टिफिकेट जारी कर चुके हैं। इस सिलसिले में मैं तमाम मजदूर जो डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे कहूँगा कि वो अपना मजदूरी का जो है वो सर्टिफिकेट बनवाएं, उसके से उनका NIC भी मजदूर का बन जाता है जिससे उनको काफ़ी रियायत भी मिलती है और काफ़ी फ़ायदे भी हासिल होते हैं। इस सिलसिले में हमारा जो ऑफिस है वो समझ लो कि हफ्ते में 6 के 6 दिन काम करता है और किसी भी किस्म की कोई मजदूरी हो तो हम उसके लिए मजदूरी सर्टिफिकेट जारी करने की एक अथॉरिटी रखते हैं और ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी सहूलत है, तो
जो भी माजूर अगर फ़ायदा उठाना चाहे तो वो रब्ता करे और हम लोग इस सिलसिले में बैठे हैं। बिल्कुल यकीनन, एक और इन्होंने बात की है कि यहाँ पे माजूरों के सर्टिफिकेट भी बनाए जा रहे हैं और गालबन 4000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट। कहने का मकसद है कि जहाँ पर आज माजूरों का आलमी दिन है तो वहीं पर स्कूलों की जानिब से जो माजूरों के काम करें उनकी जानिब से रैली का एहतमाम किया गया है। जी।